तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेटा को फॉर्म पे कैसे लाया जाए। इससे पहले की क्लासेस में मैंने बताया था कि फॉर्म से डेटा सीट पे कैसे आएगा, हम सीट से डेटा फॉर्म पे लाना बताएंगे। तो यूजर फॉर्म की क्लास हमारी चल रही है और हमने यहाँ पे एक यूजर फॉर्म डिजाइन करने जा रहे हैं। तो मैं यूजर फॉर्म को थोड़ा साइज बढ़ाया और सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे मान लीजिए, और यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं मंथली सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसका फॉर्मेट है फॉन्ट, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं और साइज को बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक लेते हैं आईडी के लिए, क्योंकि एक यूनिक आईडी चाहिए ना सर, वी लुकअप में होता है। ऐसे यहाँ पे हमने आईडी डाल, ठीक है। उसके बाद आईडी डालने के बाद यहाँ पे नेम आएगा, हमने इसको डिजाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मंथ वाइज सेल होगा, तो कितने हैं जुलाई तक, मतलब 7 चाहिए। जी, दो तीन चार पाँच छः, छः ही है, एक कहाँ गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ सात है। हम इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट पे आते हैं, मेक ए सेम साइज, और इसको हमने बोथ हार्ट और विड्थ बोथ कर देते हैं, तो दोनों सब कुछ सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और होता है फॉर्मेट, मार्क इक्वल, तो लग रहा है डबल डोर कॉपी हो गया है। Oh.
5, 6, 7 अब सही जो थोड़ा सा छोटा कर दो और फिर यहाँ पे हम मंथ यहाँ पे डाल दीजिए मई जून उल्टा सीधा है तो फिर इसको भी सिलेक्ट करते हैं और अलाइन हम यहाँ पे टॉप कर देते हैं, अलाइन हो गया। उसके बाद एक बटन बनाते हैं शो, मतलब यहाँ हम आईडी पे डालेंगे और शो पे क्लिक करेंगे। तो जब आईडी जब रन होगा यूजर फॉर्म तो कुछ इस तरह से होगा, हम यहाँ पे वन डालेंगे शो करेंगे तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे बाकी डेटा जो है फिल होना चाहिए। तो चलिए हम क्लिक करते हैं और हम यहां पे करते हैं सिस्टम आईडी एज ए लॉग आईडी इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1.val एक बार टेक्स्ट बॉक्स 1.val अब एक बार यहां पे सिलेक्ट करते हैं तो इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 है तो यहां हम लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2.value इक्वल टू नहीं एक मिनट मुझे मैच लगाना पड़ेगा यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं dim r as a long also और यहां पे r इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच मैच में हमारा आईडी हो जाएगा कौन सा आईडी और हम शीट्स और कौन सा शीट्स में तो यहाँ पे मान लीजिए हम डेटा दे देते हैं डेटा डेटा शीट्स के एक कॉलम डेटा शीट्स के रेंज ए बाय ए तो ये आर डॉट नहीं था यहां पर हो जाएगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2.value इक्वल टू रेंज हमने वी के साथ आर को कंबाइन किया डॉट वैल्यू अब इसी को और इसके आगे शीट्स का नाम लगा दीजिए तो ठीक रहेगा किसी और शीट पे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी सिंपल सा कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं अब इसमें एक क्या है कि हमने फॉर्म में बहुत सारे जो फॉर्म इधर उधर कर दी है तो इसका नाम देख लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 3 है टेक्स्ट बॉक्स 3 में जैन का डेटा 4, 5 हो गया 3 अब सी है कि मार्च नहीं है 6 है आपको 3, 5, 6 3, 4, 5 डिलीट है सर तो यहाँ पे 3, 4 हो गया उसके बाद 6, 7, 6 उल्टा सीधा लग गया है हालांकि नाम अपने हिसाब से चेंज भी किया जा सकता है तो 1, 2, 3 1,
शीट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 के बाद सीधे 14 है। तो इसको हम यहाँ पे 3 हो गया, 3 में B के जगह पे हमारा C हो जाएगा। कॉपी किया N4, C के जगह पे D, पेस्ट किया N यहाँ पे 5, D के जगह पे E, 6, E के जगह पे F, अब यहाँ पे 6 तक तो आ गया, 7 है। यहाँ पे 7 और F के जगह पे G, 7 के बाद सीधे 9 है एंड 14 है, 9 G के जगह पे H और 14 में I हो जाएगा। रन करके देखते हैं, मैंने 1 लिखा, शो भी लिखा, डेटा आ गया सर। 2 लिखा, शो पे क्लिक किया, 3 लिखा, शो पे क्लिक किया, समझ आ गया सर। एक दिक्कत और भी है, जैसे मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां पे मान लीजिए डिलीट किया, 21 किया, तो 21 करते हैं ही, 21 का मतलब शो पे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, तो इस पे डबल क्लिक करते हैं। ये जो मेथड हमने ले रखा है, हमें चेंज पे लगा देना, चेंज पे लगाने से छोटी सी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी हम बताते हैं आपको, एक बार यूजर फॉर्म को प्ले करते हैं। रिकॉर्ड आ गया, लेकिन जैसे डिलीट करूंगा एरर आएगा, क्योंकि डिलीट होते ही ब्लैंक हो जाएगा, तो यहां पे दिक्कत आएगा कि भाई इस पे ब्लैंक नहीं एक्सेप्ट कर सकता, समझे। तो उस केस में क्या करेंगे हम, यहां पे हम देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहां पे एरर देते हैं कि इफ ई एरर इज ग्रेटर देन 0 देन, ये पूरे उठाइए रखिए और इस पे ब्लैंक कर दीजिए, ये चीज ऊपर भी की जा सकती है। कुछ कम कॉपी किया है ना, बीच में डिलीट हो गया है वो, सॉरी। अब इसके लिए अभी इस तरह की दिक्कत हो रही है ना सर, एक काम और है, इसके लिए हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं कोडिंग को सॉल्व करने के लिए। यूजर फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन एंड 14। अब उसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए इसको यहाँ नहीं रखते हैं, सबसे नीचे रखते हैं ताकि कोई डेटा नहीं मिला वहाँ भी शो होगा। राइट सर, अब चलिए प्ले करते हैं। ये चीजें यहां भी रख दें तो बेटर रहेगा। हम यहां वन पे क्लिक किया, रिजल्ट आ गया। ठीक है सर, परफेक्ट है। इसमें चेंज किया जा सकता है तो इसको डिसेबल कर दीजिए, नीचे या ऊपर में कहीं होता अनेबल, सबको फॉल्स कर दीजिए। वन बाय वन सेलेक्ट कीजिए और ट्रू को फॉल्स, दो सेलेक्ट कीजिए ट्रू को फॉल्स। एक साथ में वन बाय वन होगा। अब यहां पे प्ले कीजिए वन, तो इस पे कोई चेंज नहीं कर सकते। अब आप लोगों को मैं फाइल भेज रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे एक एडिट का बटन बना, एडिट का बटन बनते ही क्या होना चाहिए, एनेबल हो जाना चाहिए। फिर इसमें जो चेंज करके सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा चेंज होना चाहिए। तो हम एक ही फॉर्म में डेटा को एडिट भी करना चाहते हैं और चेंज भी करना चाहते हैं, समझे। बोलिए सर, सुन रहा हूं। कौन सा मैथ का, मैथ का लगाया मैंने, मैथ का फंक्शन हमें ये देगा ना कि हमारा जो आईडी किस रो में है, कि उस रो से डेटा उठा लिया हमने। जैसे हमने वन यहां पर फाइव लिखा तो मैथ ने इस फाइव को मैच करके बोला कि भाई सिक्स नंबर रो में है, सिक्स मिल गया। अब यहां पे जहां जहां मुझे रो चाहिए कि बी सिक्स सी सिक्स डी सिक्स ई सिक्स का डेटा उठा लिया हमने। डबल क्लिक करने से आता है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। हाँ ठीक है, फाइल भेजो इसको। और कल किस क्लास नहीं हुआ था सर, आप आए रही थी अकेले आए थे तो मैंने क्लास छोड़ दिया। क्या कीजिए, फिर आगे बढ़ते।